वेलकम बैक फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मैं आज लेके आया हूँ एक इम्पोर्टेंट रूल। ये एक ऐसा रूल्स है जिसका अक्सर हम हिंदी में यूज करते रहते हैं। आज हम उसी रूल्स को इंग्लिश में बोलेंगे और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है नथिंग बट। नथिंग बट इसका यूज डू डैश और डिड के साथ करते हैं। नथिंग बट का मीनिंग होता है ही रहता है। डू डैश और डिड का मीन्स होता है करना। आई यू वी दे के साथ, आई यू वी दे के साथ हम डू का यूज करते हैं और ही सी नेम इट के साथ डच का यूज किया जाता है और ऑल डूअर्स के साथ डिड का यूज किया जाता है। इन तीनों का मीनिंग होता है करना। लेते हैं एग्जांपल, जैसे कि वह पढ़ता ही रहता है। वह पढ़ता ही रहता है इसका मतलब है कि पढ़ने के अलावा और कोई काम नहीं करता है, वो ये काम करता ही रहता है, वो सिर्फ पढ़ता ही रहता है। He does nothing but read। यदि आप इसका फॉर्मूला देखना चाहेंगे तो आप ये फॉर्मूला भी देख सकते हैं। Doer plus do does या did इसके बाद nothing इसका फॉर्मूला है। आप चाहे तो इस फॉर्मूले को भी राइट कर सकते हैं, वैसे लिखने की कोई जरूरत नहीं, बस इसको आप समझें और डेली रोज बोलें और अपने डेली रूटीन में इसका यूज करें। वह पढ़ता ही रहता है, ही डज नथिंग बट रीड। वे खेलते ही रहते हैं, वे खेलते ही रहते हैं। दे Do nothing but play। वह टीवी देखता रहता है, He does nothing but watch movie। वह मोबाइल चलाती रहती है, She does nothing but ऑपरेट मोबाइल। इस तरीके से आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं। ये तो थी प्रेजेंट की बात। यदि इसी बात को पास्ट में बोलना पड़ जाए तब आप डू डज की जगह पर डिड का यूज करेंगे और डिड का यूज सभी तरीके के डूअर्स के साथ किया जाता है। वह सोता ही रहता था, ही डिड नथिंग बट स्लीप। वे यहां आते ही रहते थे, वे यहां आते ही रहते थे। दे डिड नथिंग बट कम हियर। मैं पढ़ता ही रहता था, आई डिड नथिंग बट रीड। इस तरीके के और भी सेंटेंस आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये रूल्स समझ में आ गया हो, ये टॉपिक आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट में जरूर लिख के मुझे बताइएगा और कमेंट बॉक्स में मैंने स्मार्ट वर्क आपके लिए छोड़ा है तो आप वो स्मार्ट वर्क जरूर करें और कमेंट में मुझे बताएं कि किस रूल्स पर दूसरी वीडियो बननी चाहिए और ये वीडियो भी आपको कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और फ्रेंड्स यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे इस चैनल को आज ही और अभी सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर पुश करें। मिलते हैं इस तरीके की और भी वीडियो के साथ। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।